मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 18 नवंबर सोमवार का दिन है। ऐसे में धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? मित्रों, आज आपको कौन सी खुशखबरी मिलेगी और कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? किन किन गतिविधियों से होकर आप गुजरोगे? आज कौन से क्षेत्र में कार्य करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? आपको अपने कार्य क्षेत्र के अलावा समाज में कैसे मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी? आप अपनी अलग पहचान कैसे बना सकते हो? आपको बताएंगे पूरी विस्तार से आपके जीवन में चल रहे समस्याओं का समाधान कब तक हो पाएगा। इन सभी के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके सभी कार्य संपन्न होंगे, आपको सभी कार्य बनने की खुशी होगी, नए दोस्तों से लाभ मिलेगा। आप अगर आज यात्रा करना चाहते हैं तो यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। कार्यों में सफलता का योग है। रुपए पैसे के मामले में बड़ा लाभ हो सकता है। रुका धन मिलेगा। प्रयास से सभी कार्य संपन्न होंगे और धन लाभ होगा। यश मान सम्मान की वृद्धि योग बन रहा है। आपके लिए यात्राएं सुफलदायी साबित हो सकती है। अधिकारी वर्ग से सहायता मिलेगी। विरोधी निर्बल रहेंगे। संतान की ओर से आपको शुभ समाचार मिलेगा। वरिष्ठ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और हो सकता है आपके लिए प्रमोशन का भी रास्ता साफ हो जाए। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नए कार्य के कारण आपको प्रेरणा मिलेगी। पद और प्रतिष्ठा में आपको लाभ होगा। आज मित्रों, आग और पानी से आप दूर रहें। आज शाम तक आप थकान महसूस कर सकते हैं। कार्य की अधिकता होने की वजह से थोड़े से तनावपूर्ण भी आप रह सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। आप रात्रि में आज हो सके तो अपने काम के निपटारा कर जल्दी सो जाएं। ऐसा आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत आज आपको उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। आज आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। मित्रों, आज विरोधियों से सावधान रहें। अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कार्य बनेंगे। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सारे के सारे दूर होने वाले हैं। मित्रों, आज आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। उनसे वाद विवाद पर न फंसें। व्यापारियों को आज धन लाभ हो सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल होगी। आज कम मेहनत में ही ज्यादा मुनाफा आपको देखने को मिल रहा है। भाग्य का साथ मिल रहा है जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में तरक्कियां हासिल कर पाओगे। मित्रों, आज हो सके तो आप अपने अजनबी लोगों के साथ ज्यादा तालमेल ना बनाएं। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपको धोखा भी मिल सकता है। आज अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखें। ये आपके लिए बेहतर होगा। मित्रों, आज का दिन बेहतर बने इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। मंगलकारी।